डियर स्टूडेंट, देखो अपना तीसरा सबक है किमियाई तामुलात और मसावते। इसके कुछ टॉपिक अपने हो गए थे, कुछ अभी इसके अंदर नेक्स्ट है हरारत गिन और हरारत जा तामुल। हाँ, जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम पहले देखेंगे हरारत गिर तामुल, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं हरारत गिर तामुल। यहाँ देखो इसकी तारीफ लिखी है, जिस तामुल के दौरान हरारत जज्ब होती है, जिस तामुल के दौरान हरारत जज्ब होती है और हासिल अशिया का दर्जे हरारत कम हो जाता है, उसे हरारत गिर तामुल कहते हैं। देखो यहाँ एक मसावात लिखा है, पोटाशियम नाइट्रेट जो है, पोटाशियम नाइट्रेट जब सॉल्यूशन इसका सॉलिड ठोस हालत में होता है, इसको पानी में जब हम हल करते हैं, इसका महलूल तैयार करते हैं, तो महलूल तैयार होने के दौरान जो महलूल का दर्जे हरारत जो है कम हो जाता है, महलूल का दर्जे हरारत कम हो जाता है और पोटाशियम नाइट्रेट का महलूल तैयार होता है ना। तो जिस तामुल के दौरान हरारत जज्ब होती है और हासिल अशिया का दर्जे हरारत कम हो जाता है, उसे हरारत गिर तामुल कहते हैं। हाँ, पोटाशियम जो है, पोटाशियम नाइट्रेट को जब पानी में हल करते हैं तो उसका हलशुदा महलूल की हरारत जो है, महलूल की हरारत जज्ब हो जाती है, महलूल में हरारत जज्ब हो जाती है और महलूल का दर्जे हरारत कम हो जाता है। जब आप टेस्ट ट्यूब में देखेंगे उसकी सतह को, तो आपको उसका ठंडा जो महलूल टेस्ट ट्यूब जो है इम्तिहानी नली की बैरूनी सतह ठंडी मालूम होंगी, है ना। इस तरह ये हरारत गिर तामुल हो गया। दूसरा तामुल है अपना हरारत जा तामुल। दूसरा तामुल क्या है? हरारत जा तामुल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। किसको बोलेंगे इसका जस्ट उल्टा, जैसे आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा, उसका जस्ट उल्टा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस तामुल के दौरान हरारत खारिज होती है और हासिल अशिया का दर्जे हरारत बढ़ जाता है, उसे हरारत जा तामुल कहते हैं। इसकी तारीफ बोलेंगे, जिस तामुल के दौरान हरारत खारिज होती है, देखो यहाँ जस्ट था, यहाँ पर क्या हो गया, खारिज होती है और हासिल अशिया का दर्जे हरारत बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? देखो बढ़ जाता है, यहाँ कम था, यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ जाता है, उसे हरारत जा तामुल यानी क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ एक मिसाल दिखता हूँ मैं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ठोस हालत में होता है, इसलिए इसमें यहाँ एस लगा रहा हूँ। इसको जब पानी में हल करते हैं H2O में, है ना, तो इसका सॉल्यूशन तैयार होता है। इसका क्या तैयार होता है? सॉल्यूशन तैयार होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है महलूल तैयार होता है, और महलूल तैयार होता है, इसलिए यहाँ एक्वस लिखा हूँ, एक्वस लिखा हूँ। तो इस दौरान क्या होता है, हाँ, इस दौरान क्या होता है, जब महलूल तैयार होता है ये एक्वस, इसका जो दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, हरारत क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाँ, हरारत। इस जब हम इम्तिहानी नली की बैरूनी सतह को देखेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो महलूल तैयार हुआ, उस तैयार होने के बाद इम्तिहानी नली की बैरूनी सतह गर्म हो जाती है, यानी क्योंकि हरारत खारिज होती है, तो हरारत खारिज होने से क्या हो रहा है, वो महलूल का दर्जा हरारत बढ़ जा रहा है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किमियाई तामुल की शरह पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। हमें मालूम है किमियाई तामुल जो होता है, किमियाई तामुल के दौरान बास किमियाई तामुल जो है तेज़ होते हैं, बास किमियाई तामुल सुस्त होते हैं, है ना। तो सुस्त किमियाई तामुल होने से जो है हमें नुकसान होता है, मतलब कंपनी को नुकसान होता है, क्योंकि जब किमियाई तामुल की शरह स्लो रहेंगी, कम होंगी, तो प्रोडक्ट कम तैयार होगा। अगर किमियाई तामुल की शरह ज़्यादा रहेंगी,
तो प्रोडक्ट जल्दी तैयार होंगे और कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए जो है साइंसदानों ने देखा कि किमियाई तामूल की शराब पर कौन सी चीज़ असरअंदाज होती है। तो सबसे पहले देखा गया कि किमियाई तामूल की शराब पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में सबसे पहले आमिल अशिया की नोयत, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, जैसे यहाँ एक मिसाल बताया है, दो धातु है, एक है एल्यूमिनियम और एक है जस्त, ये दोनों धातु है, लेकिन दोनों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब कीमियाई अमल कराया जाता है तो दोनों अपना जो है क्लोराइड मुरक्कब तैयार करते हैं। एल्यूमिनियम जब HCl के साथ कीमियाई अमल करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तैयार करता है, जस्ट भी एल्यूमिनियम क्लोराइड तैयार करता है, दोनों अपने क्लोराइड मुरक्कब तैयार करते हैं, दोनों धातुओं के ऑक्साइड तैयार करते हैं। लेकिन देखा गया है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक के साथ तेज़ी से कीमियाई अमल करता है और जल्दी से अपना मुरक्कब तैयार करता है, जबकि जस्त भी तेजाब के साथ कीमियाई अमल करता है लेकिन एल्यूमिनियम के मुकाबले में इसका अमल सुस्त होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जस्त एल्यूमिनियम के मुकाबले में सुस्त अंसुर है। तो इस तरह हमें बात समझ में आ गई कि कीमियाई अमल की शरह आमिल अशिया की नौयत पर भी मुनसिर होती है। अगर अंसुर तेज़ आमिल है तो कीमियाई अमल की शरह तेज़ होंगी, अगर अंसुर सुस्त है तो कीमियाई अमल की शरह सुस्त होंगी। तो इस तरह हमें इसकी तारीफ समझ में आ गई। हम इसकी तारीफ में लिखेंगे तो आमिल अशिया की नौयत, इसमें हमें क्या समझ में बात आई, एल्यूमिनियम और जस्त का हल्काए HCl के साथ अमल कराया जाए तो दोनों धातुओं के क्लोराइड तैयार करते हैं, दोनों धातुओं के क्लोराइड तैयार करते हैं, लेकिन जस्त के बनिस्बत एल्यूमिनियम धातु तेजाब के साथ तेज़ी से अमल करता है, क्योंकि जस्त के मुकाबले में एल्यूमिनियम तेज़ आमिल अंसुर है ना। तो आमिल अशिया की नौयत समझ में आ गई। दूसरा जो है ज़र्रात की जसामत। दूसरा है ज़र्रात की जसामत। जसामत साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। ज़र्रात की जसामत देखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़े और सफ़ूर दोनों को अगर अलग अलग जो है लिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट का पहले जो है एसिड के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कीमियाई अमल कराया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े का जो उसके टुकड़े लेकर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कीमियाई अमल कराया जाए तो जो है कीमियाई अमल होता है, लेकिन यही कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ूर तैयार होने के बाद अगर उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कीमियाई अमल कराया जाए तो कीमियाई तामूल फौरन होता है, तेज़ी से कीमियाई तामूल होता है, कीमियाई तामूल की शरह में तेज़ी से इजाफा होता है और फौरन कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड तैयार होता है। तो इससे बात समझ में आया कि टुकड़े की बजाय अंसुर का मुरक्कब का अगर सफूफ लिया जाए तो कीमियाई अमल की शरह में तेज़ी से इजाफा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े की बनिस्बत कैल्शियम कार्बोनेट के सफूफ के साथ तेजाब का अमल तेजाब का अमल तेज़ी से होता है और जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड
जैसे मुरक्कबात तैयार होते हैं, है ना। तीसरी हेडिंग है हमारी, तीसरी हेडिंग आमिल अशिया में शामिल महलूल का इर्तिकास। देखिए, आमिल अशिया कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम दो तरह के तेजाब के साथ अगर हम किमिकल कराएं, एक है मुर्तकिस और दूसरा है हल्काया, हाँ, तो देखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मुर्तकिस जो है तेजाब डाला जाए तो किमिया अमल फौरन होता है, जल्दी से होता है, और जो है मुरक्कबात जल्दी से तैयार होते हैं। तो इस तरह किमिया अमल की शरह में आमिल अशिया में शामिल महलूल का इर्तिकास भी पर मुनसिर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मुर्तकिस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फौरन किमियाई अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड तैयार करता है। बनिस्बत हल्काए H2SO4। अब चौथी हेडिंग है हमारी दर्जे हरारत। हाँ, देखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऊंचे दर्जे हरारत पर फौरन किमियाई अमल करता है। हाँ, अगर दर्जे किमियाई तामूल में किमियाई आमिल अशिया का दर्जे हरारत बढ़ा दिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट ऊंचे दर्जे हरारत पर फौरन किमियाई अमल करता है। कैल्शियम कार्बोनेट ऊंचे दर्जे हरारत पर कैल्शियम कार्बोनेट की ऊंचे दर्जे हरारत पर जल्दी से तहलील होकर हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड तैयार होता है। एक हमारी आखिरी हेडिंग है पांचवा अमिल तमासी अमिल की मौजूदगी। आपको मालूम है तमासी अमिल किसे कहते हैं? ऐसी अशिया जो किमियाई अमल की शरह को बढ़ाती है, ऐसी अशिया जिसकी मौजूदगी से किमियाई अमल की शरह में अजाफा होता है, लेकिन वो अशिया बजाते खुद किमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेती, ऐसी अशिया को तमासी अमिल कहते हैं। जैसे मिसाल तौर पर पोटाशियम क्लोरेट KClO3 अगर इसमें थोड़ी सी मिकदार में अगर एक तमासी अमिल मैंगनीज डाइऑक्साइड को शामिल कर लिया जाए तो पोटाशियम क्लोरेट की फौरन तहलील होती है और ऑक्सीजन गैस तैयार होती है, बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। किसकी मौजूदगी वजह से? मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है? एक तमासी अमिल है। तमासी अमिल का काम क्या होता है? किमियाई अमल की शरह को तेज करना, लेकिन बजाते खुद किमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेना। तो KClO3 इसमें हम क्या ले रहे हैं? मैंगनीज डाइऑक्साइड ले रहे हैं, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं।
तो इसकी तहलील हो रही है और तैयार हो रहा है 2KCl पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस। हाँ, तो ये ऑक्सीजन गैस से बहुत ज़्यादा मिकदार में तैयार होती है, तो ऑक्सीजन को तैयार करने वाला ये अमल है। हाँ, इस तरह जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से पोटाशियम क्लोराइड से बहुत आसानी से ऑक्सीजन गैस तैयार की जा सकती है। इस तरह हमने देखे किमिया अमल की शरह में कुल 5 अवामिल शामिल है। पहला है अमिल अशिया की नौयत, दूसरा है अमिल अशिया की ज़र्रात की जसामत, तीसरा है अमिल अशिया का इर्तिकास, चौथा है तामुल का दर्जे हरारत और पांचवा है तमासी अमिल की मौजूदगी।